बात नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था, एक संगठन एक शुरू किया। और ये संगठन क्या करता था, ये संगठन इस देश के प्रमुख शहरों में जाके वहां के जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी थे उनकी मीटिंग्स लेते थे, और वो मीटिंग्स में उनका डिस्कशन होता था कि हमें अगर अपने ओरिजिनल एजेंडा के मुताबिक अगर ब्राह्मण राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र यहां स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इसराइल से डिस्कशन शुरू किया था, इसलिए उन्होंने नेपाल से भी उनकी बातचीत चली थी, और नागा में जो बंडखोर थे उनसे भी उनकी बातचीत चली थी, और उनके में एक तय हुआ। और जो कर्नल पुरोहित थे, कर्नल पुरोहित आर्मी इंटेलिजेंस में थे, उनको काफी पैमाने पर आरडीएस मिलता था, तो आरडीएस वहां से ले आते, और ये जो अभिनव भारत के लोगों को बम धमाका करने के लिए दे देते, और वो फिर एक पैटर्न ऐसा बना कि ये उनको बम धमाके के लिए आरडीएस देते थे, अभिनव भारत के लोग बम धमाका करते थे, दूसरे दिन आईबी अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नाम से उसे पब्लिसिटी देती थी, और जो मीडिया, जो ब्राह्मण्यवादी पूरी मीडिया है उसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देती थी। ये सिलसिला कई दिन तक चला रहा। जब हेमंत करकरे ने ये तीन लैपटॉप हासिल किए, बरामद किए, तो उसमें उनके जो भी मीटिंग थे वो एक गलती किए थे जो ब्राह्मणों ने हजारों सालों में नहीं गलती की, वो गलती उन्होंने इस बार की थी। वो गलती ये थी कि जो भी उनके मीटिंग होते थे उसके वो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो रिकॉर्डिंग वो अपने लैपटॉप में रखते थे। तो ऐसे 24 मीटिंग के रिकॉर्डिंग ये तीन लैपटॉप में थे। हेमंत करकरे क्या करते थे, हेमंत करकरे एक एक मीटिंग का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो देखते थे, जिनके जिनके शक्ल, जो जो भी बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, रिलीजियस लीडर्स भी थे, बड़े बिल्डर्स और डायमंड मर्चेंट्स ऐसे बड़े लोग भी उसमें थे। इंडिया के जितने इम्पोर्टेंट ब्राह्मणिस्ट लीडर हैं वो सबकी शक्लें उसमें थी। हेमंत करकरे एक क्लिप देखते थे और उसमें जिनके नाम थे उनको बुला के उनकी पूछताछ शुरू करते थे, उनका इंट्रोगेशन शुरू करते थे। उन्होंने एक क्लिप देखी, दूसरी क्लिप देखी, तीसरी क्लिप देखी, ये सब लोग घबरा गए। और उसमें इतने खतरनाक